हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल की खीर। सो उसके लिए हमने लिए है एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट पाउडर, शुगर, मिल्क और थोड़ा सा कलर। सो इसके लिए सबसे पहली चीज़, हमें एप्पल को ये जो बाहर ऊपरी कलर है उसे अच्छे से घिस के निकाल देना है। सो फ्रेंड्स, इसका ऊपरी छिलका निकलने के बाद ये एप्पल कुछ ऐसा देखेगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसे अच्छी तरह से इसको बारीक करना है यूजिंग किसनी। हमें इसे मराठी में या हिंदी में किसनी बोलते हैं। आप इस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ग्राइंडर वो टेस्ट नहीं देता है जो टेस्ट मैनुअल एफर्ट से देते हैं। और इसी बीच हमने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से बारीक कर लिया है। अब ओके फ्रेंड्स, सो अभी एप्पल ग्राइंड हो गया है हमें, और हमने कढ़ाई को भी प्री टेम्परेचर पे रखा था। अब हम इसे ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे शुगर के साथ। सो अभी हम इसे ऐड कर रहे हैं। सो इसे अब हल्का पकने दीजिए लोअर फ्लेम में। इसे थोड़ा 5 मिनट स्टर्लिंग कीजिए, हल्का पकने दीजिए। हल्का पकने के बाद हमने जो एक बाउल शुगर लिया था उसमें से हाफ बाउल शुगर इसमें ऐड करना है। और हाफ बाउल शुगर जब हम मिल्क इसमें डालेंगे तब ऐड करना है। और इसे अब अच्छे तरह से पकने दीजिए शुगर के साथ। ये एक अपना ही एक टेस्ट छोड़ेगा, एप्पल और शुगर का एक मिठास छोड़ेगा। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम पावर पे हीट होने देना है। ये अपनी ही वेपर के साथ पकेगा। फ्रेंड्स, अभी ये पक रहा है। हमें ये प्रोसेस जब तक शुगर का पानी ये खुद एप्पल अब्जॉर्ब नहीं कर लेता है तब तक इसे करना है। हम इसे 5 से 7 मिनट के बाद हम उसे देखेंगे तो हमें एक ड्राई एप्पल ऐसा दिखना चाहिए। अगर हम उसे देखेंगे कि एक ड्राई एप्पल हो गया है तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये अपना पानी पूरा छोड़ देगा और एप्पल पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये फिर बाद में पूरा ड्राई हो जाएगा। तो उस फ्रेंड्स, अभी 7 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसे चेक करने वाले हैं कि ये पूरा हुआ है या नहीं। देखिए अभी ये पूरा ड्राई हो गया है। तो अभी हमें हमारे फ्लेम कम करके अब हमें इसमें एक कलर ऐड करना है। जो हम इसे कलर ऐड करेंगे, अब ये कलर ऐड करना है, ये आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप इसे अगर आपको चाहिए तो आप इसे डाल भी सकते हैं। तो ये हल्का सा हमने रेड कलर यूज़ किया है जो इस कलर देगा। बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए जो एक हल्का सा कलर देगा, और इसे 1 या 2 मिनट तक और पकने दीजिए, इससे इसका एक कलर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमने इसे कलर ऐड करने के बाद और हमने इसे अच्छे से हिलाने के बाद, देखिए अभी इसे एक अच्छा सा कलर आ चुका है। और ये अब गाजर का हलवा जैसा दिख रहा है, बट ये गाजर का हलवा नहीं, ये ग्रेप एप्पल है। अभी इसे, ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली तैयार हो गया है। अभी हमें इसे अच्छे से निकाल के एक दूसरे बॉक्स में डालना है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो हमारा अगला स्टेप है। तो उसके लिए खीर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 ग्लास ऑफ मिल्क। जो अब हम 1 ग्लास ऑफ मिल्क डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से शुगर को मिल्क, अभी इसे अच्छी तरह से शुगर और मिल्क को स्टर करते रहना है जब तक एक उबाल नहीं आती है। एक बीच बीच में स्टर करते रहना है ताकि शुगर अच्छी तरह से इसे मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं इसे अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो हमने अभी जो ड्राई फ्रूट्स दिए थे, जो हमने स्मैश करके रखे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने इसे अच्छी तरह से ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर।
सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे तरह से ड्राई फ्रूट्स को ब्लर किया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है खीर में वो है विलायची। सो एक हाई क्वालिटी की विलायची हमने ली है और हम इसमें ऐड करेंगे। ये खीर का जो रियल फ्लेवर आता है वो विलायची से आता है। सो हमेशा ऐड कीजिए और इसको ज़्यादा यूज़ में मत डालिए, उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में इलायची को यूज़ कीजिए। उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे पक लीजिए, छोड़ दीजिए। सो इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने दीजिए और ये एक अपना फ्लेवर छोड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो अभी मिल्क को अच्छे से उबाल आ चुकी है और अभी हमने जो एप्पल और शुगर को जो मिक्स करके ग्राइंड करके रखा था वो अभी हमें इसमें जस्ट इंसर्ट करना, मिक्स करना है और ये एक अपना अलग फ्लेवर देगा। इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दूध के साथ पकने दीजिए। पकने के बाद अपने जो ड्राई फ्रूट्स है उसका फ्लेवर और एप्पल का फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। और अगर आप इसे चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे है आपको कितना थिक पसंद है। आपको थोड़ा इसमें अगर पानी ऐड करना है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसे थोड़ा बॉईल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ये हीट होना शुरू कर चुका है तो हम इसमें अभी थोड़ा हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे। और इसे हीट करने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, गर्मा गर्म एप्पल खीर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पहला वीडियो था, हम इसके बाद भी आपके सामने अच्छे अच्छे डिशेस लेके हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।